बहराइच दरगाह मेले का हाईकोर्ट के जज शमीम अहमद ने किया उद्घाटन। बहराइच के माह में लगने वाले दरगाह मेले का आगाज हो चुका है। बहराइच पहुंचे हाईकोर्ट के जज शमीम अहमद ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। फीता काटने के बाद हाईकोर्ट के जज शमीम अहमद ने सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह की मजार पर पहुंचकर चादर पेश की और देश के अमन सुकून की दुआएं मांगी। इस दौरान उनके साथ दरगाह अध्यक्ष व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देर रात तक चले इस उद्घाटन प्रोग्राम में लोगों में हर्षोल्लास देखने को मिला। आज को देश के विभिन्न इलाकों से गाजी मियां की बारात आएगी, इसके लिए यहां पर भव्य मेले का आयोजन किया गया है। तो वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत मेले में एक थाना और 12 चौकियां बनाई गई हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए पूरे गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स लगा दी गई है। गाजी मियां की बारात के दिन लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसा तब होगा जब देश के अलग अलग कोनों से हजारों की संख्या में गाजी मियां की बारात उनकी मजार पर पहुंचेगी। पूरे दरगाह में बारात के दौरान होने वाली हर एक हलचल पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बाद आप लोग यहाँ पर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना है आपका? सब उनके चाहने वालों को बहुत खुशी है। हम 2 साल से बेसब्री से मेला लगने का इंतजार कर रहे थे। जैसे हमें मालूम पड़ा फेसबुक के जरिए कि यहाँ पर मेला लगाया जा रहा है, तो वैसे ही हम दौड़े दौड़े चले आए 1000 किलोमीटर। तो ये बताइए, हर साल मतलब आते हैं या इसी साल आप आना है? हम हर साल आते हैं, सरकार के निकाह के अंदर शामिल होते हैं, बराती बनकर आते हैं साहब। आपके दिमाग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होता होगा क्योंकि यहाँ पर आप सरकार का सारे धर्मों के लोगों पे बराबर है। सरकार अजमेर शरीफ में पैदा हुए और यही उनकी विलादत हुई है और यही उनकी शहादत हुई है। अल्लाह के बहुत बड़े वली है, उनका कर्म सब पे बराबर है, वो सभी को अपने भेजो कर्म से नवाजते हैं, उनकी शान निराली है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।